ਪੰਜਾਬੀ ਏਕਤਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੈਸਟਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦਿਆਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੋਰਡਾਂ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ 9 ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਾਧੇ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੋਣ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਤਾ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਅਤੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਐਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਬਸ ਇੱਕ ਪਰਮਿਟ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਭੁਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਸ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਕਮਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਰੇ ਬੱਸ ਪਰਮਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਬੱਸ ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸੁਬਾਹ ਜਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ते पैर स्लिप कर गया, गोडे से सट बजी ते हम तो तुरया नहीं जाता। मैनू डॉक्टर ने तो कहा सी प्रोग्राम कैंसल कर दो, पर मैं क्या भी जेडे लोग कट्ठे होंगे फिर चंगा नहीं, दोपहर तक वो तो ही जाया उन्हें फिर दूजे तो मौके से चला दे देंगे वो फिर जाया। विद्या विचारी तो पर उपकारी, फैले विद्या चानन होए। विद्या मनुख का तीजा नेत्र है। ये असी बहुत बार लिखा होया पढ़िया, कंधां ते भी लिखा होया पढ़िया, किताबां ते भी लिखा होया पढ़िया, नारे भी इस तरह के सुने ने। पर जिहड़ी पंजाब दे विच विद्या है, एजुकेशन है, सिक्ख्या है, वो आम लोगों की पहुँच तो दूर हो चुकी है। वो इन्नी महंगी हो गई कि आम लोग जिहड़े ने अपने बच्चों नूं म्यारी सिक्ख्या दिवाउणा चाहुंदे ने, पर उन्होंने जेब इजाजत नहीं दिंदी। मजबूरन उन्होंने जता बच्चे स्कूलों चों हटाने पै रहे ने, काम ते लाने पै रहे ने, जां फिर वो एजुकेशन जिहड़ी अगे किते जाके काम नहीं आउंदी वो उन्होंने दवानी पै रही। अज मैं एजुकेशन नाल रिलेटेड, सिक्ख्या नाल संबंधित दो वड्डे फैसले जो पंजाब सरकार ने कीते ने उन्हां बारे तुहानूं जाणू कराउणा चाहांगा। प्राइवेट स्कूल जिहड़े ने पंजाब दे विच उन्हां नूं तुरंत प्रभाव ते अज तो आदेश चले जाणगे कि वो इस समैसटर दे विच एक भी रुपया फीस नहीं वधाउणगे। फीस की जिहड़ी पॉलिसी है, वधाउण दी पॉलिसी है, उहदे बारे असीं आउण वाले दिनां च तुहानूं सारी विस्तार सहित जानकारी देवांगे, डिटेल देवांगे। दिल्ली के मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल के घर से हमला होया है। इस दे नाल ही शरारती अनसरां वल्लों CCTV कैमरे भी तोड़ दिते गए हैं। इस ते पंजाब दे मुख्य मंत्री भगवंत मान ने कहा कि पुलिस की मौजूदगी विच मुख्य मंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर उत्ते हमला एक कायरता वाली हरकत है। हुण यह साफ हो चुका है कि भाजपा नूं सिर्फ आप अते अरविंद केजरीवाल तो डर लगदा है। इस तरह है कसूआ ने एक साडा वर्कर इट्टा मार मार के मार दिता है। 10-12 दिन हो गए, कोई परचा नहीं होया। मतलब बंदे अंदर होने चाहिए है भाजी। मतलब ये बदलाव वास्ते खातर थोड़ा वोटा पाइया सी इन्होंने। डेड बॉडी पई है। मतलब देख हाहाकार मचिया पे सारे पिंड इन्हों फड़ के अंदर दो भाजी। हेलो ये थाना सदर जीरा जी सदर जीरा हाँ कहो नहीं तो इनू बड़ा इशू बनावांगे फिर असीं प्लीज। थैंक यू करो जी। पंजाब विच प्रीपेड बिजली मीटर नूं लगाउण संबंधी पंजाब सरकार ते केंद्र सरकार आमो सामने हन। केंद्र सरकार वल्लों पंजाब विच प्रीपेड मीटर ना लगाउण ते पंजाब नूं फंड ना जारी करन लई कहा गया है। उधर मुख मंत्री भगवंत मान सरकार वल्लों बिजली मीटरां ते अपना स्टैंड कायम रखिया जा रहा है कि पंजाब विच किते भी प्रीपेड मीटर नहीं लाया जाएगा। पंजाब सरकार दे बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने बीते दिन अपने बयान नूं स्पष्ट करदे कहा कि पंजाब विच प्रीपेड मीटर नहीं सगों स्मार्ट मीटर लगाए जाणगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि पंजाब सरकार स्मार्ट मीटर लगावेगी। उन्होंने कहा कि प्रीपेड मीटर इन्नी जल्दी नहीं लगाए जा सकते हैं। उधर केंद्र ने पंजाब में चेतावनी दी है कि 3 महीनों में 85,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाओ नहीं तो केंद्र बिजली सुधार फंड नहीं देगा। केंद्र की योजना अनुसार जेकर स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाते हैं तो आम आदमी पार्टी की मुफ्त बिजली योजना च विघन पै जाएगा। दस दें कि पंजाब विधानसभा चोणा 2022 दौरान आम आदमी पार्टी ने लोगों नाल वादा किया कि सरकार बनने तो बाद हर घर में 300 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। जेकर प्रीपेड बिजली मीटर लगाया जाता है तो पहला इसनूं रिचार्ज करना होगा फिर बिजली मिलेगी। यही कारण है कि आप सरकार इस विच दिलचस्पी नहीं लै रही। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि असीं लोक हितां अनुसार फैसला लवांगे। सरकारी सिस्टम नूं सुधारन लई मुख मंत्री भगवंत मान दी अगवाई वाली पंजाब सरकार ने नवीं हिदायतां जारी कीतियां हन। खजाना दफ्तर नूं भेजे हुकमां विच कहा गया है कि हुण एक मुलाजम 1 साल तो वध एक सीट पर नहीं रहेगा। इस दे नाल ही अधिकारियों नूं स्पष्ट किया गया है कि वह किसी भी फाइल से सारे इतराज एको समय उठाउण, जिस विच नियमां दा हवाला दे के भी स्पष्ट रूप में दस्सिया जाए। अधिकारी ते कर्मचारी समय सिर दफ्तर पहुंचे। जेकर कोई छुट्टी ते है तो उसकी थां ते किसी होर नूं तैनात किया जाए। अर्जी दे नाल किहड़े दस्तावेज नत्थी करने चाहिए हैं, एक नोटिस बोर्ड लगाया जाना चाहिए है। विभाग वल्लों जारी हिदायतां भी इस नोटिस बोर्ड ते होणियां चाहीदियां हन। मुलाजमां दी ड्यूटी रोटेशन सूझवान होनी चाहिए है। इस मुलाजमां नूं तजर्बा भी मिलेगा ते अजारेदारी की कोई संभावना नहीं रहेगी। खजाने विच उपलब्ध 8 ते टिकटां की गिनती रोजाना नोटिस बोर्ड ते लगाई जानी चाहिए है। खजाना दफ्तर विच शिकायत बक्से लगाए जाण, इन्हां दी रोजाना जांच की जानी चाहिए है ते रजिस्टर विच दर्ज की जानी चाहिए है। शिकायत का निपटारा 1 हफ्ते के अंदर अंदर किया जाना चाहिए है। शिकायत दर्ज करवाउण लई नोटिस बोर्ड ते अधिकारियों के नाम, अहुदे ते मोबाइल नंबर दर्ज किए जाने चाहिए हैं। आम लोगों, पेनशनर, सीनियर सिटीजन नाल नरम वर्ताव, उन्हां दे बैठण दा प्रबंध किया जाए। किसी भी कुताही की सूरत विच संबंधित अधिकारी ते कर्मचारी जिम्मेवार होण। गरीब बंदे फिर कित्थों भरांगे बिल है। तुसीं चिपाला मीटर तुसीं आ गए जी चौड़े होके लाउण। तुसीं ऐ दस्सो भला चल जूगा ये बंदे रिचार्ज कित्थों करना। ठीक है, मैं कोचिंग फोन करता हूं। पंजाबी एकता चैनल देख रहे सारे दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। हुण तक दी वड्डी खबर, केंद्र ने पंजाब नूं चेतावनी दी है कि 3 महीनों में 85,000 स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाओ नहीं तो केंद्र बिजली सुधार फंड नहीं देगा। तो जिस तो बाद आप सरकार के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने प्रीपेड मीटर लगाने तो इनकार कर दिता है। बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने कहा कि सूबे में प्रीपेड मीटर की थां स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। हुण एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में बिजली मुलाजम एक पिंड प्रीपेड मीटर लगाने लई गए तो उन्होंने ਦਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਬਾਈ ਜੇ ਪਾਲਾ ਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਫਿਰ ਜੇ ਪਾਲਾ ਮੀਟਰ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਹੀ ਨਵੇਂ ਮੀਟਰ ਪਾਲੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ ਭਰਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਾਂਗੇ ਬਿੱਲ ਹੈ। ਬਾਈ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਈ ਯਾਰ ਦੋ ਮੂੰਹ ਢਾਂਦੇ ਬਈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਯਾਰ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਜਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਜਾ। ਤੂੰ ਯਾਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਉਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ ਯਾਰ ਮੀਟਰ ਲਾਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਬਈ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਸੁਣ ਤੂੰ ਆਪ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਜਾ, ਆਪਣੀ ਲਿਆ ਜਾ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਲਾ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਵੇ ਨਾ ਦਵੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਉ ਯਾਰ ਬੰਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਰਿਚਾਰਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਲੂ ਕਰ ਲੂਗਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਰਿਚਾਰਜ ਫੇਰ ਇਹਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਐਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵੋਗੇ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਮੀਟਰ ਬਈ ਐਵੇਂ। ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਬਾਈ ਯਾਰ। ਆਪ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐ ਦੱਸੋ ਦਿਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਭਲਾ ਬਿੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਭਰ ਲੂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਮੀਟਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਭਰ ਲੂਗਾ ਯਾਰ। ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਹੀ ਲੱਗਣੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਮੀਟਰ ਚਿੱਪਾਂ ਮੀਟਰ। ਨਹੀਂ ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ ਲੱਗਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਬਈ ਇਹ। ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਚਿੱਪ ਵਾਲਾ ਮੀਟਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਜੀ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲਾਉਣ। ਤੁਸੀਂ ਐ ਦੱਸੋ ਭਲਾ ਇਹ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਇਹ ਬੰਦੇ ਰਿਚਾਰਜ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ। ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਊਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ठीक है, मैं पुलिस फोन कर कितों करा लेंगे यार। मीटर की रात नूं लाइट भज गई, इहदा रिचार्ज खत्म हो गया, कितों करा लेंगे रिचार्ज? दस दो रिचार्ज करा लूगा कोई, रिपोर्ट कर दो जी, थाने ते रिपोर्ट कर दो। आहो मेरा बच्चे कितों भरावांगे? मीटर कौन लगा लूगा? साडी हथ बन के बेनती है जी पंजाब गवर्नमेंट नूं, सानू नहीं पता भी सेंटर गवर्नमेंट ने हुक्म दिता है या किने दिता है, पर असी ना तो चिप्पा के मीटर अज लाउण दईए ना दईए पंजाब च कल नूं लाउण। ये वीडियो साडी किसी ने भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण वास्ते नहीं बनाई गई, ये समझाउण वास्ते बनाई गई है भी ये बंदे रात नूं उठ के रिचार्ज कित्थों कर लैणगे। तुसीं ये चीज दसो कौन कर लूगा रिचार्ज? देना तो इन्ने कितने पढ़े लिखे ने यार, असी नहीं करा सकते। ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਟੀਏ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੈਕਿੰਗ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਫਾਲਟਰ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੇ अधिकारी ये भी यकीनी बनाउणगे कि बस अड्डे तो कोई भी नजायज़ बस नहीं चलेगी। जे कोई अजिही बस चलती पाई जाती है तो उस बारे तुरंत संबंधित आरटीए नूं सूचित किया जाए तो उस खिलाफ कार्रवाई की जा सके। टाइम टेबल विच सब नूं ढुकवां समा देण दी गल करदे ट्रांसपोर्ट मंत्री ने निर्देश दिते कि भावें कोई वड्डा बस ऑपरेटर है जां छोटा, सारिआं नूं टाइम टेबल विच ढुकवां समा दिता जाए। उन्होंने कहा कि टाइम टेबल लागू करन समय किसी भी किस्म का वितकरा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भुल्लर ने अधिकारियों नूं यह भी हिदायत दी कि पंजाब दे लोगों के हित, ईमानदारी ते तनदेही नाल काम करना यकीनी बनाउणा। उन्होंने कहा कि अधिकारी आपस विच तालमेल रखना ते दफ्तरी समय दौरान दफ्तर विच हाजिर रहण तां जो हो समय सिर लोगों दी परेशानियां दा निपटारा कर सकण। सो इस तक दी वड्डी खबर, होर खबरां देखण लई साडे चैनल नाल बने रहो।